सो है गाइस, अगेन मैं मनीष रश्मि एंड ये सुरुचि गुप्ता, मैं आप लोगों के साथ फिर से हाँ एक नए ब्लॉग के साथ। एंड आज का ब्लॉग हमारा पटना जू के ऊपर है। हाँ तो गाइस, जहाँ सडन प्लान बना है हम लोग का, सडन रौनित भैया ने फ़ोन करा है कि आ जाओ पटना जू तुम लोग। तो हम लोग पटना जू आए हैं, एंड पटना जू आए हैं तो हम लोग सोचे क्यों ना हम लोग ब्लॉग बना ले। चलो गाइस, तो मैं आप लोग को पटना जू में, हम मतलब बिहार का सबसे बड़ा जू चिड़ियाघर जिसको बोला जाता है, बिहार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, यहाँ पे जितने भी जानवर होते हैं मैक्सिमम जानवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड देखते हैं, पता चला है कि जू के अंदर बहुत ही सारे फैसिलिटी नए नए आए हैं, नए नए चीज़ आए हैं जू के अंदर, तो क्यों ना हम लोग चल के देखते हैं क्या है नहीं है। सो गाइस चलते हैं आगे, एंड जू के अंदर आप लोग को देख के मैं बताता हूँ कि मतलब क्या है, कौन कौन से जानवर हैं, क्या नया चीज़ आया है जू के अंदर देखने को। सो गाइस लेट्स मूव ऑन। हम लोग का टिकट लेके रखा गया था, रौनित भैया टिकट लेके रखे थे हम लोग का, तो हम लोग को टिकट मिल गया। होम टिकट दिखाओ, हम लोग को टिकट मिला एंड पता नहीं है टिकट कितना का, तो चलो गाइस हम लोग देखते हैं कि टिकट कितने का प्रोवाइड होता है यहाँ पे। अभी कोरोना टाइम में मास्क भी यहाँ पे उपलब्ध है। कितने का टिकट मिल रहा है भाई? 20 का टिकट मिलता है। अच्छा, यहाँ पे टिकट की लाइन लग रही है, यहाँ पे 20 का टिकट मिलता है। एंड हम चल रहे हैं आगे की ओर। हम लोग वैसे आ चुके हैं हम लोग जू के अंदर, एंड ये रहे रौनित भैया जिन्होंने सडन बुलाया हम लोग को, एंड ये दीदी रही, श्रेया नाम है इनका। एंड चलो फिर मैं आप लोग को जू को क्या एक्सपीरियंस करा रहा हूँ आप लोग को, और क्या, और जू दिखाऊंगा आप लोग को, जानवर दिखाऊंगा, और क्या दिखाऊंगा यार। हम लोग अभी पहुंचे हैं जिराफ घर, और आप लोग को अभी दिखाने वाले जिराफ को, बहुत ही बड़े बड़े जिराफ है, 4-5 अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। जिराफ ओए लंबो, ओए लंबो, ओए। तो ये हमारे जू का रेस्टोर है जो एकदम से बंद पड़ा हुआ है, पता नहीं ओपन है, ये पूरा बंद सा लग रहा है, बंद है गाइस, ओपन नहीं है, पूरा बंद है ये, पता नहीं ये कोरोना टाइम सब लेट हुआ, सब जू का लेट हुआ। उसे देखिए क्या कर रही है वो, ये कौन सा जानवर है, हाय हाय सुनो। आज ये लॉकडाउन के वजह से, कोरोना टाइम के वजह से पूरा जू खाली खाली सा है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत क्राउड है, कोई नहीं खाली है तो क्या हो गया, हमें ब्लॉग बनाना है, हम आपको एक एक करके सारे जानवर से मिलवा देंगे, सो डोंट वरी।
₹5 टिकट बच्चे का, ₹10 टिकट बड़े आदमी का है मछली घर का। अब यहाँ से हम लोग अंदर की ओर जाएंगे मछली घर में। एंड ये भैया और भाभी पूजा खाते हुए। एंड ये क्या नाम है तुम्हारा भाई, नाम क्या है? ये देखिए गाइस, ये सबसे अलग मछली है, ये गोल्डन फिश है, ये फिश, ये है मछली घर। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मछली मिलेंगे, आ जाइए। सब सो चुका है, कोई जगह हुआ नहीं है गाइस। चलो कहीं और कुछ और दिखाते हैं आप लोगों को। हाय हाय भाभी, ये जू के अंदर में खीरा का स्टॉल एंड किसी और भी चीज़ का स्टॉल है नाश्ते पानी करने के लिए। अगर थक जाते हैं आप चलते चलते जू के अंदर, यहाँ बैठ के चिल मारिए, खीरा खाइए, चाय पीजिए, सब कुछ कीजिए। चलिए आगे की ओर। जू के अंदर एक नया चीज़ देखने को मिला है, देख सकते हैं आप, ये एरोप्लेन जिसमें बैठ के आप पूरे जू का चक्कर काट सकते हैं गाइस, उड़ते उड़ते। गाइस हम लोग का वीडियो हो गया कंप्लीट एंड हम लोग जू घूम चुके हैं, सब जानवर से मिल चुके हैं, जितने भी जानवर थे अंदर में सबसे मिल, कुछ जानवर नहीं भी थे लॉकडाउन के वजह से, पता नहीं कुछ इशू के वजह से वो लोग नहीं होंगे। वैसे रौनित भैया क्या कहना आप आपका, वैसे बंगाली में कुछ कह दीजिए हमारे चैनल के लिए, प्रमोशन कर दीजिए रौनित भैया। सब्सक्राइब करो और लाइक करके, यार सब कोई लाइक बटन पे क्लिक करना एंड सब्सक्राइब सब लोग करना, ठीक है? थैंक यू, बटन दबाना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू रौनित भैया, भाभी थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू जू का सब जानवर। बाय बाय, सी यू अगेन विद द न्यू व्लॉग। बाय 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 बाय।